أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. शरीयत इन्फॉर्मेशन की 443वीं नशिस्त है। हम जामे मस्जिद कॉन्फ्रेंस हॉल मस्जिद आलिया में एकजा हुए हैं। इस्लामी तहजीब क्या है के उन्वान से आपके जाने पहचाने स्कॉलर जनाब मोहम्मद जियाउद्दीन नय्यर साहब से उनका खिताब सुनने के लिए आज 30 अप्रैल 2012 मुताबिक 7 जमादिल आखिर 1443 हिजरी बरोज पीर बाद नमाज असर हम यहाँ एक जाएं। अभी आपने खुशिलहान खारी मोहम्मद मुर्तजा साहब की खिराज समात फरमाई और खादिम महफिल गुलामी अजदानी आपसे मुखातिब है। जैसे कि आप वाकिफ हैं, हम हमेशा उन्वान मुकर्रर पर छोड़ देते हैं और मुकर्ररीन हमारे इस बात का ख्याल रखते हैं कि हालात हाजरा के पस मंज़र में उनका खिताब हो। उन्वान ऐसा दिया जाता है कि माशाल्लाह से इससे बहुत से लोगों को इस्तेफादा होता है, न सिर्फ सामईन को इस महफिल के बल्कि अखबारात के ज़रिए और अब तो वेबसाइट के ज़रिए ये सब आपके कारगुजारी दुनिया में देखी जा रही है। इस तरह से इसका इस्तेफादा बड़े वसी पैमाने पर हो रहा है। अगर आपने आज का अखबार मुलाहजा किया है तो अजीब इत्तेफाक है कि आज आपका शाम में खिताब है और आज के अखबारों में आपका तस्करा मौजूद है, जो कि आपने एक अहम उन्वान से पिछली मरतबा दिया था और 3 शहर के बड़े अखबारों ने इसको वाज़े सुर्खी के तौर पर लीड कहते हैं लीड देते हुए शाया किया है। और ज़रूर पढ़िए, उससे आपको इस्तेफादे का मौका मिलेगा। मैं इस वजह से जिक्र कर दे रहा हूँ कि शायद आप में से कुछ अखबारों का मुताला आपने नहीं किया होगा और वो अखबारात हैं सियासत, मुनसिफ और एतमाद। और इसके साथ ही आपसे एक और गुजारिश है कि 2 मई को चारशंबे के दिन अरमगान हिजाज का तजियाती मुताले के उनवान से आपके जाने पहचाने इकबालियात के स्कॉलर जनाब मुस्तर मजाज साहब मुखातिब फरमा रहे हैं, इससे भी ज़रूर इस्तेफादा करिए। एक और ऐलान कि आज की तारीख से हम यहाँ पर ऊपर हामिद अली एजुकेशन वफ का जो दफ्तर है उसमें उर्दू की क्लासेस शुरू कर रहे हैं गरमाई, जो शायद 35-40 दिन चलेगी। और उसका मंशा सिर्फ ये है कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के लिए तो 35 साल से हमारा गरमाई स्कूल उर्दू हॉल में चल रहा है, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जो मिशन स्कूल्स में पढ़ते हैं और अलिफ बे ते से भी वाकिफ नहीं है, और कई बाज़ हैं जो पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, तो उनके लिए वो स्कूल है चल रहा है। सुबह 8:30 से 10:30 तक उर्दू हॉल में आप शरीक करवा सकते हैं। 1.5 महीना चलेगा, 28 को इफ्तिताह हुआ है, आज पहला दिन समझिए उसका, 28 से आगाज़ हुआ।
और दूसरी बात यह है कि आज से हम यहाँ पर हामिद अली एजुकेशनल वक्फ का एक ऑफिस है, उसमें बालिगीन के लिए अतराफ के दफातर में कई मुस्लिम, गैर मुस्लिम और उर्दू मादरी जबान, गैर मादरी जबान वाले भी ख्वाहिश करने लगे कि साहब हमारे लिए कोई इंतज़ाम कीजिए। तो बजाय वहाँ के शाम में 6 बजे 1 घंटे के लिए यहाँ पर क्लासेस रखी गई हैं। हफ्ते में 4 दिन होंगी, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, किताबें फराहम की जाएंगी, कापियाँ दी जाएंगी अगर आप शिरकत फरमाना चाहते हैं। 3 दिन तो हमारे महाफिल के होते हैं, लेकिन 3 दिन जो है ऊपर वो क्लासेस होंगे, 4 दिन होंगे, 1 दिन शायद वो टकराव होगा महफिल से, वरना 3 दिन तो क्लियर मिलेंगे आपको। तो उसमें जो है आप 4 दिन में दफातर के बैंक के ऐसे लोग भी हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, लिहाजा आज उसका अब्दुलरहीम खान साहब हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के, उनके हाथों इफ्तिताह हो रहा है उसका। तो उससे भी इस्तेफादा कीजिए, न सिर्फ इस्तेफादा कीजिए बल्कि ऐसे लोगों को जो, जैसे मैंने आज अब्दुल खय्यूम साहब से बात की तो उन्होंने कहा हमारे उनसे भी सालार जंग म्यूज़ियम के अहमद अली साहब जो आपके पास के मुकर्ररीन हैं, तो उन लोगों ने कहा हमारे दफ्तर में हैं ऐसे लोग जो जानना चाहो, कोई सीखना चाहते हैं, तो मैं बोला भिजवाइए उनको। तो आप भी ज़रा इस पर कोशिश कीजिए, उर्दू की खिदमत हो जाएगी अगर आप मशवरा दें किसी को ला सकते हैं तो, बालिगीन या स्कूल के बच्चों तक भी जो है तो उनको ला सकते हैं, तो बड़ी उम्र वाले तो आ सकते हैं। मसल सुजाता हाई स्कूल के प्रिंसिपल ख्वाहिश किए मेरे से, वो आ रहे हैं, और इसी तरीके से एक बैंक के मैनेजर हैं वो ख्वाहिश किए, और एक अब मैं कहाँ तफसील सुनाते बैठूँ आपका वक्त ले लूँ। तो इस वजह से आप भी कोशिश करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदकल्लाहुल अजीम। मोहतरम आली जनाब गुलाम यजदानी साहब, सीनियर एडवोकेट जनाब मोइनुद्दीन साहब, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी मौजू से मुतालिक जो तारुफ़ मोहतरम यजदानी साहब पेश कर रहे थे और उसमें ज़िक्र जो है उर्दू टीचिंग क्लासेस का, खुसूसन ये गर्मा के हॉलीडे से इस्तेफादा करने के लिए वो आपसे अपील कर रहे थे, तो ये भी इस्लामी तहजीब का एक हिस्सा था, इसलिए कि इस्लाम का बहुत सारा माखज़ और तालीमात जो है उर्दू ज़बान में मुंतकिल की गई हैं। बेहतरीन तफासीर उर्दू में आपको मिलती हैं, सीरत तैयबा में बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान में बरे सगीर में हुआ जी, अल्लामा शिबली नौमानी, सुलेमान नदवी, मनाजिर हसन गीलानी, यानी बेशुमार नाम हैं जो आप को लिए आ सकते हैं कि एक जख़ीरा है। और दूसरी तरफ ये है कि हमारी नई नस्ल उर्दू से नाबलद होती जा रही है, और शहर हैदराबाद में ख़ास तौर से उर्दू मीडियम मदारिस बंद हो रहे हैं। हमारे नाजिमुद्दीन साहब सोशल वर्कर हैं, ये जानते हैं कि कितने उर्दू मदारिस हमारे बंद हो रहे हैं, और बाद में रफ्ता रफ्ता ऐसा मालूम होता है कि उर्दू जो है बिल्कुल नापैद होकर रह जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी इस्लामी तहजीब को बचाने के लिए उर्दू को भी बचाना ज़रूरी है, और उर्दू के लिए जो हमारे बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, जिनका ताल्लुक औरंगाबाद और हैदराबाद से ही रहा, तो हम उनके वारिस हैं, हम तक ये जो ज़बान पहुंची है, ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू तहजीब एक शराफत वाली तहजीब है। उर्दू मिटती है तो यूं समझिए कि शराफत की तहजीब मिट रही है। उर्दू में गजल, इशारा किनाए में बात करना, ये सब तहजीब का हिस्सा है। कितने ही पोएट्री आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, दीगर जानों में पढ़े, वो लुत्फ नहीं आता जो उर्दू में आता है। जहां गालिब को गजल में उर्दू के गजल का इमाम आप कह सकते हैं, तो वहीं फारसी में हाफिज शिराजी का मुकाम है। तो अगर इसको
सिर्फ सुनी अनसुनी ना करें इस अपील को, बल्कि हम कोशिश करें कि अपने घरों के अंदर हमारे बेटे बेटियां, हमारे बच्चे पोतरा पोतरियां सभी जो है उर्दू जबान से भी वाकिफ रहें और यकीनन असरी उलूम में भी पीछे ना रहें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। आइए आज की गुफ्तगू का जो उनवान है बहुत मुख्तसर है, तहजीब क्या है, इस्लामी तहजीब किसे कहते हैं, इस्लामी तहजीब से क्या मुराद है। बहुत मौजू आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल ये है जितना आप उसको गहराई में गौर करेंगे जी, जितना समंदर की गहराइयों में जैसा गोता लगाते हैं वैसा ही उसमें गौर करेंगे तो वो चार अल्फाज पर ही है सारा मदार, या कलमे तैयबा पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, चार ही अल्फाज हैं। और इतना इनके साथ ज्यादती हुई है इन अल्फाज के साथ कि कोई समझकर पढ़ता ही नहीं इल्ला माशाल्लाह। अवाम तो अवाम है लेकिन खवास के बारे में भी गुमान होता है कि हम जो है ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ जबान से निकल रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल की गहराइयों से पूरे शऊर के साथ हम वो कलमा नहीं पढ़ रहे। हमारी इस्लामी तहजीब की बुनियाद ये कलमे तैयबा ही है। कलमे तैयबा का सबसे पहला जो है पहला हिस्सा ला इलाहा, यानी शिर्क की नफी, तौहीद की तालीम दे रहा है, शिर्क से इज्तनाब की बात कर रहा है। और जो मोमिन जैसे अल्लाह ताला की जात सुभान व तआला है उसकी इबादत में उसका कोई शरीक नहीं, उसी तरह इस मोमिन का सर भी सिवाय अल्लाह के किसी के सामने झुकता नहीं। जो अजमत अल्लाह की है बंदे की भी अजमत अपनी जगह पर है, बंदा अपनी इज्जत को अपने इस मुकाम को पहचाने, बंदा अपने इस मुकाम को पहचाने कि उसका क्या मर्तबा है क्या मुकाम है। और इस कदर आसानी के साथ हम पढ़ते हैं उसका शऊर बिल्कुल नहीं होता। इसको पूरे शऊर के साथ अगर पढ़ेंगे तो फिर इस्लामी तहजीब क्या है, इस्लामी जिंदगी का नमूना क्या है, वो पूरा पैकर आपके सामने आ जाता है। विलादत हो रही है, पहले ही कान में क्या आजान फूंकी जा रही है बच्चे के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अजान दी जा रही है, बच्चे के कान में पहली वो बात पड़ रही है। और इस्लामी तहजीब के आदाब क्या हैं, शादी हो रही है तो लड़की का आजकल मामला यह है, लड़की को इख्तियार है कि भाई लड़की और लड़का पसंद करके शादी करें, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन लड़की के मुकाबले में जो लड़की के वालिदैन या बुजुर्ग हैं उनका जो तजर्बा है जिंदगी में, क्या क्या नशेब व फराज आ सकते हैं, क्या गैर हमवारियां आ सकती हैं जिंदगी के अंदर, इंसानी जिंदगी के अंदर, वो जितना शऊर मां बाप को और अपने बुजुर्गों को होता है खानदान के, वो लड़की को नहीं होता जो अपने मुस्तकबिल के अच्छे या बुरे का फैसला करने जा रही है। इस्लामी तहजीब है क्या है, इस्लामी तहजीब अल्लाह ने ये कहा है कि तुम्हारे मां बाप को वली बनाया गया है तो वली की इताअत करना, अहकाम इलाही की पाबंदी करना है। आप सोचिए कि 15 साल की बच्ची 20 साल की लड़की उसने पूरे नशे पर फराज नहीं देखी और अपने किस्मत का फैसला मैं करने की मालिक हूं, मैं जवान हो गई जी, वो खुमार बारा बंकवी का शेर याद आता है, अंजाम आशिकी का मजा आप जानिए, हाँ नहीं वो आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए।
तो अंजाम में आशिकी का मजा कब मालूम होता है? वो 50-60 साल के होने के बाद ही मालूम होता है उसे। तो ये नाम निहाद आजादी के नाम पर गैर इस्लामी तहजीब के मनाजिर और उसके बाद माशरती तौर पे लेन देन के जो मसाइल हैं, घोड़ा जोड़ा, ये सब हमारी इस्लामी तहजीब में कुछ भी नहीं। शादी की सीधा साधा शादी तो हम किससे सीख रहे हैं? दूसरों से सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, लेकिन हम कितने फख्र के साथ कहते हैं, क्या इस्लाम आलमी मजहब है, यूनिवर्सल रिलीजन बिलाशुबा है, मगर उसके तकाजों को आप समझिए, आपकी जिम्मेदारी क्या होती है। जो अरब से निकला दीन इस्लाम, वो जो है उधर फ्रांस तक पहुंच गया, मोराको फ्रांस तक पहुंच गया, और इधर चाइना तक बर्रे सगीर वगैरह से होते वहां तक पहुंच गया। तो वहां की जो मुकामी तहजीबें थी उन पर इस्लाम ने अपने असरात छोड़े, तातार तक पहुंचे, और हम जो है उनकी तहजीबों पर गालिब आए, हमने अपनी तहजीब के नकूश उन पर छोड़े। लेकिन भैया नहीं कहता कि 100% हम उसमें कामयाब हुए। बहुत सारी बातें, लेकिन इस्लामी तहजीब के अंदर इतनी लचक है कि हम वारिस हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तो गुलाम हैं हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए उनके अदवार में, उनके जमानों में, उनके इलाकों में जो तहजीबें जन्म पाई, उसकी जो अच्छाइयां हैं, उसमें जो खैर का पहलू पाया जाता है, उसके वारिस हम हैं। मैं सिर्फ फख्र के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। क्यों? कि हजरत आदम से लेकर आखिर तक हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नबी ने इसी बात की दावत दी, हर नबी ने इसी की दावत दी। तो हर नबी के दौर में जो अच्छे काम पाए गए, खैर के काम पाए गए, उसका विरसा वारिस कौन है? हम हैं। क्योंकि हम सारे अंबिया पर ईमान रखते हैं, हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। जबकि ईसाई तहजीब महदूद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, अगर वो सही है तो। बुद्ध तहजीब गौतम बुद्ध के जमाने की हद तक, और अगर मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, या कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर अगर फर्ज करो अल्लाह के नबी के तौर पे, यकीनन हिंदुस्तान की सरजमीन में अंबिया आए, मगर नाम हमको नहीं मालूम है। हमारे पास कुरान मजीद में 25 नाम बताए गए, लेकिन अंबिया कितने आए? 1,24,000 की रिवायत भी है, 1,84,000 की रिवायत भी है। तो गोया जहां जहां हुस्न पाया जाता है इस दुनिया के सवारने में, इस दुनिया की तहजीब को, इंसान को महजब बनाने में, इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है, मुस्लिम अकीदे का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हम हजरत आदम पर ईमान रखते हैं, हजरत आदम सफीउल्लाह पर, हजरत नूह नजीउल्लाह पर, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर, हजरत इस्माइल जबीउल्लाह पर, सारे अंबिया पर हम ईमान रखते हैं। तो सारे तहजीबों के वारिस हम हैं, और मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहजीब आई, वो वहां अल्लाह ने कह दिया कि अब आप खत्म नबूवत खातिम नबूवत हैं। लिहाजा वहां ये भी पयाम आ गया कि कुरान आखिरी किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, और उम्मत मुहम्मदिया को अब उनकी अकल को तस्लीम कर लिया गया है, अब मजीद वही को नाजिल करने की जरूरत नहीं है। वही की रोशनी में जिंदगी के मसाइल को हल करना, इसी का नाम इज्तिहाद है। अगर कोई मसला ऐसा आता है जिनको हमको डायरेक्ट हमारी रहनुमाई नहीं मिलती है, तो क्या करना है? कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी अकल को इस्तेमाल करना है। मैंने इससे पहले हदीस आपके सामने बताई थी कि हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से उनको भेज रहे थे यमन, और यमन जाते हुए आपने पूछा ए मास तुम अपनी रहनुमाई के लिए किस सोर्स को इस्तेमाल करोगे। हजरत माज इब्न जबल ने कहा रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं कुरान मजीद से जो है अपनी रहनुमाई हासिल करूंगा। अगर फरोज करो तुम्हें कुरान में कुछ चीज नजर ना आए, तो आपने कहा मैं आपको जो ऐसा करते हुए देखता हूं वैसा ही करूंगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अगर तुम्हें ऐसी कोई बात भी नजर ना आए कि मैं किस तरह से उस पर अमल करता, तो तब क्या करोगे? तो हजरत माज इब्न जबल ने कहा कि मैं कुरान और आपकी जिंदगी की रोशनी में अपनी अकल को इस्तेमाल करके फैसला करूंगा। यह है इज्तिहाद। तो आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम सही रास्ता पा गए, तुम सही रास्ता पा गए। तो इस्लामी तहजीब जो तश्कील पाती है वो है अकीदे तौहीद, उसका बुनियादी चीज है। ये सर किसी के सामने झुक नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। झुकने से मुराद कैसा झुकना? किसी से नफा की उम्मीद, किसी से नुकसान पहुंचने का अंदेशा, सिवाय अल्लाह के कोई नाफे नहीं, कोई नफा पहुंचाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवाय कोई जार नहीं, जरर पहुंचाने वाला नहीं। तो हम समझना कि ये हमारा नुकसान पहुंचाएंगे, ये आरएसएस वाले नुकसान पहुंचाएंगे, या ये गुंडा नुकसान पहुंचाएगा, या ये हुकूमत नुकसान पहुंचाएगी, तो मोमिन के शाय निशान नहीं है किस्म का खौफ। ला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, तुम उनसे मत डरो मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। तो इस्लामी तहजीब का बुनियादी अंसर क्या हुआ? अल्लाह के सिवा मोमिन किसी से डरता नहीं, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झर झुकाता नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं, और उसी को हाजत रवा समझता है, उसी के पास जवाब देकर जाने जवाबदेही का तस्वूर उसके पास जिंदा है। और उसकी तौहीद की तफसीलात में अगर आप जाएं तो एक बहुत बड़ा मजमून है। लेकिन ये गहराइयों के साथ हम जब नींद में से उठते हैं, उठते क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह जिंदगी दिया हम उठ पाए, वरना सो गए थे जी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु अहया बोल के सो गए थे, उसी के नाम से सोता हूं उठता हूं उसी के नाम से। और जब उठते हैं तो उसी को याद कर रहे हैं कि उसी ने मुझे जिंदा किया। और न सिर्फ वो बल्कि छींक आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को शुक्र अदा करते हैं। सुनने वाला इरहमकल्लाह कह रहा है, कोई बात गलत हो जाती है तो अस्तग़फिरुल्लाह कह रहे हैं, और कोई गाली दे रहा है, कोई गलत बात हो रही है तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये क्या बात कह रहे हो? इस्लामी तहजीब के मनाजिर मज़ाहिर हैं। कोई किसी के इंतकाल की खबर पहुंच गई, कोई चीज गुम गई है मिल नहीं रही है, लाइट चले गई, फौरी मोमिन क्या बोलता? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यानी हर मकसबा किस तरफ है? अल्लाह की तरफ लौट लगा रहा। ये इस्लामी तहजीब है। सिर्फ खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर जबान दिल की रफीक होना, जो बात कह रहे हैं दिल से कहना, दिमाग से सोचकर पूरे शऊर के साथ, अल्लाह कौन अल्लाह, किसके पास जाना है, किसकी तारीफ हो रही है, कौन सा अल्लाह, किसकी पनाह में मैं जा रहा हूं, कौन सा, किसकी पनाह में जा रहा हूं, कौन सी पनाह देने वाला है, कैसी पनाह देने वाला है। और फिर इस बात का हमेशा एहसास रहे ला गालिब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गालिब आने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई गाफिर आने वाला नहीं, गालिब आने वाला नहीं। ला नाफे इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नफा देने वाला नहीं। ला मुअस्सिर इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई असर छोड़ने वाला नहीं।
कोई असर अंदाज होने वाला नहीं। तो ये जिंदा अल्लाह के साथ ये हमारा जिंदा रब्त रहा। अल्लाह मुर्दा नहीं है, क्यों? हम क्या बोलते हैं, हय्युन कय्यूम, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वो हय है वो कय्यूम है, ना उसको ऊंग आती है ना नींद आती है, तो हमारी हर कैफियत से बाखबर है। हम यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, सब सुन रहा है, सब देख रहा हूं। तो एक इस्लामी तहजीब की असास अकीदे तौहीद है। किसी के पास नजराने ले जाने से कुछ नहीं होगा। आप गौर कीजिए, अहलुल्लाह अल्लाह वाले थे, उन्होंने जिंदगी गुजारी अल्लाह वालों की तरह, लेकिन वो हमें ना फायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जुनैद बायजीद रहमतुल्लाह अलैह हो या और कोई वलीउल्लाह हो, सभी सब जब अजां होती तो एक जमात में एक ही सफ में खड़े हो जाते थे, कोई छोटा या बड़ा नहीं था। इस्लामी तहजीब के अंदर अजां हो जाती है, इकामत होती है, तो एक किसान जो शराबोर है पसीने में, जिसके कपड़ों में पसीने की बू आ रही है, और एक मुअत्तर लिबास पहनकर अमीर आया है, लेकिन दोनों कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते हैं। ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई जुनैद बायजीद है और ना कोई और, सब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो ये इस्तेमाईयत का प्याम, एक कलमा जिसे तू गरा समझता है, एक तो अल्लाह से रब्त हो गया जी, और अल्लाह के सिवा ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है, सब कुछ उन्हों है, वो हमारा हबीबुल्लाह है जी। अल्लाह का से रब्त जो पैदा हो गया, अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई कुरान है लेकिन कलमे की में इमामत किसकी है, मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब कलमा मुकम्मल होता है तो मालूम हुआ कि मुहम्मद रसूलुल्लाह की इमामत में, वही हमारे वाहिद इमाम है और कोई इमाम नहीं। हमारे इमाम हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होती जो मुसलमान भी एक। तो ये कलमे की वजह से जो इस्लामी तहजीब तशकील पाती है, उसके लिए हमारे लिए नमूना हयात कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके सामने पयाम भी आ गया, आपके सामने नमूना हयात भी आ गया, और आप ही ने हमको ये सब बताया कि तुम छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, खाना खाने बैठे तो ऐसे बैठो ऐसे खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो तो ऐसा अदा करो, नहीं तो क्या मालूम हमारे को कहां की तहजीब थी। अरब के उजड़ कौम है ना, तो तहजीब कहां से आई, इस्लामी तहजीब। हमारे को महजब किसने बनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और किस बुनियाद पर बनाया, अकीदे तौहीद की बुनियाद पर बनाया। अजीजाने ग्रामी, लेकिन हमारी पूरी तहजीब, हमारा ओढ़ना बिछोना चलना फिरना, शादी ब्याह के रसूम, विलादत, अभी कल जो है बोयनपल्ली में खतना का कैंप लगा था, वहां गया मैं। अब वो गरीब बच्चों की बेचारे 2000 रुपए खर्चेंगे काम के कैंप, साल में हमारे एक दोस्त है ख्वाजा खुतबुद्दीन साहब लगा देते, 100-125 बच्चे आते।
हम आप थोड़ी देर खड़े रह के देखे लाल लुंगिया, हाँ उसको लाल और उसको लेस लगी हुई, वो बॉर्डर सुनहरी या नखरेवी, और बहरहाल वो एक रस्म फूल पिना के, आप इस पे कितने पैसे खर्च रहे होंगे? पैसे बचा रहे हैं? हम ये बोले कि गरीब लोग कहां से खर्चा करेंगे, उनको खर्चे नहीं वो होता, हम दूसरे तरह से खर्च कर रहे, इसराफ तरह से। इस्लामी तहजीब के अंदर इसराफ रवा नहीं है, फजूल खर्ची की इजाजत इस्लाम में नहीं दी गई है। हम बच्चे की पैदाइश के मौके पर, उसकी खतना के मौके पर, छिल्ले पर, छट्टी पर, आज का जो अखबार में हमारी गुज़श्ता तकरीर का भी जो इख्तिबास शाया हुआ है उसमें भी हैदराबादी तहजीब के जवाल पजीर होने के क्या असबाब थे? यही फजूल खर्ची, इसराफ, औरों का देखकर। अब तो औरों का देखकर हम मिलादुन नबी भी वैसा मना रहे हैं। हमारी तहजीब कहां गई? हमारी ये तहजीब थी रोडों पे भागना जी, इम्प्ले का तैयार करना खाने काबा का, ये तहजीब है, उसके अतराफ तवाफ करना, कहां किधर, कहां है तालीमात, कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? अवाम बिचारे, अवाम जो अपने आप को कायद बोल रहे हैं, अपने आप को जो है मजहब के उलमा ठेकेदार बोल रहे हैं, तो हम जो है किसी की सिर्फ दाढ़ी पर न जाएं, सॉरी टू से, बल्कि उनके इखलास पर, उनके अमल पर, उनकी गहराई इल्म होना चाहिए उनको इस्लाम के बारे में, और सिर्फ इस्लाम चंद मजाहिर का नाम नहीं है बल्कि उसके जाहिर में और उसके बातिन में पूरा शऊर ला इलाहा इल्लल्लाह का रच बच जाना। तो अजीजाने ग्रामी, इन फजूल खर्चियों का सिलसिला जो दराज होता है, फिर लड़की की शादी के मौके पर आप देखते हैं किस तरह से चीजें होती हैं, तमाम हराम चीजों को हलाल चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो खाने के क्या आदाब है, किस तरह से खाना खाया जाता है, क्या तहजीब है खाने की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के शुरू करो, अपनी प्लेट में आगे आगे से खाओ, अगर मिलके खा रहे हैं सबके साथ दूसरे का भी ख्याल रखो, मोहब्बत बढ़े आपस में, सब मिलके खाओ घर में, उनारा खा ले रहा चले जा रहा, उनारा खा रहा चले जा रहा, औरतें बाद में अलग खाना, मिलके औरतों से मोहब्बत से बात नहीं करते, कहां के सब गैर इस्लामी थे, औरतों के साथ मोहब्बत से पेश आना। देर आर टू वल्नरेबल ग्रुप्स इन अवर सोसाइटी, एक तो खवातीन के साथ हमारा सलूक अच्छा नहीं होता आमतौर पर, और दूसरा ऑर्फन्स के साथ, यतीमों के साथ, उनके सर पर हाथ दस्त शफकत रखना, कैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त शफकत रखते थे। और आपने फरमाया कि अगर कोई दस्त शफकत किसी यतीम लड़के पर रखेगा तो जन्नत में मैं और वो दोनों एक दो उंगलियों के बराबर होंगे, ऐसे होंगे। तो इससे बढ़कर इंसानियत नवाज, ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग रखने वाला, तालीमात देने वाला और कोई मजहब है, और कोई तहजीब है? और इतनी अच्छी तहजीब की हम अमीन होकर, वारिस होकर उसे दस्तकश हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों पे तो फजूल खर्ची करेंगे लेकिन अपने खानदान के किसी यतीम बच्चे पर हाथ नहीं रखेंगे, सर पर हाथ नहीं रखेंगे। क्या मुतालबा करती है इस्लामी तहजीब? इस्लामी तहजीब मुतालबा करती है कि तुम जो खा रहे हो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाओ, और खाने के बाद जो है यह भी गौर करो कि जो खाया जा रहा है वो हलाल तरीके से कमाया गया है या नहीं। हलाल की बड़ी अहमियत है,
हल्का लुकमा जाएगा तो फिर हमारी दुआ भी कबूल होगी। और अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि देखो, मैं मेहनत करके काम करके कमाने वालों को से मोहब्बत करता हूं। हदीस शरीफ में आया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, अकले हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का हबीब है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाया, गजवे तबूक में जाना है। लोग हमेशा सब सामान लाके जमा कर देते थे, अरे अल्लाह के हुजूर हम ये लेकर आए। तो सबसे ज्यादा हमेशा कौन आगे रहते थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे रहते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचे कि अब की बार तो इनको मैं पछाड़ूंगा। बोले तो क्या कुश्ती लड़ रहे थे? नहीं, मतलब है कि उनसे ज्यादा सबकत ले जाऊंगा। इस वास्ते कि कुरान मजीद में क्या आया, फस्तबिकुल खैरात, मोमिन क्या करते हैं? इस्तेबाख करते हैं खैरात के मामले में, आगे बढ़ने की कोशिश। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आधा सामान ले जाके ये समझे कि आपके हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो से आगे ले गया। और एक सहाबी आए जिनके पास कुछ भी नहीं था बेचारों के पास, तो उन्होंने रात भर मजदूरी करे, खजूर के बाग में गए, खजूर के बाग पे चढ़ना, ऊपर सब छाले निशान जख्मी, सुबह में लाके अल्लाह के रसूल को बोले, अल्लाह के रसूल में रात में काम करा, ये लेकर आया, आप कबूल फरमाइए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना सामान जमा हुआ था सब सामान पर उन खजूरों को फैला दिया और आपने उनके हाथों को अपने लबे मुबारक से बोसा दिया। व्हाट द एनकरेजमेंट इज फॉर कस्बे हलाल। तो ये व्हाट ए बिग डील कि जन्नत का उनको जमानत दी जा रही है। और उसके बाद हजरत उमर को मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना सारा सामान लाए, आपके भी मैं पीछे रह गया। अल्लामा इकबाल ने इसको मंजूम किया, परवाने को चराग है सिद्दीक के लिए फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। खुदा के लिए है अल्लाह का जो रसूल है वो उनके लिए काफी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रजा मिल जाए काफी है। तो इस्लामी तहजीब किससे पनपती है? कस्बे हलाल कमाने से कम, और कस्बे हलाल कमा के अल्लाह ताला जो दिया है उसमें शुक्र अदा कर रहा है। और अल्लाह के रसूल जो है कम्युनिज्म नाफिज नहीं करे, सब लाना यही मेहनत करना सब इक्वल, नारा बहुत अच्छा दिख रहा, इक्वलिटी है भाई नहीं। और आपने यह भी नहीं कहा कि पैसे वाले जो कैपिटलिस्ट हैं, आज अमेरिका का निजाम जो चल रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैपिटलिज्म, तो आपने कहा नहीं, तुम जो कमाते हैं उसका 2.5% तो देना है, और देकर तुम किसी गरीब पर एहसान नहीं कर रहे हो, एहसान जताना नहीं है, और तुम अपना हक अदा कर रहे हो, और यह हक तुम्हें अल्लाह ने आजमाने के लिए दिया है। तो इस माशरे के अंदर देखिए आप किस तरह से रसूलुल्लाह ने बैलेंस कायम किया, न कम्युनिज्म न कैपिटलिज्म, बल्कि यहां बताया गया इंसानी हमदर्दी, इंसानी खैरखाही का जज्बा। और यह बताया गया कि तुम जो है, तुम्हारी जो दौलत है तुम उसके कस्टोडियन हो, तुम अपनी जिंदगी तक तुम उसको कैसा इस्तेमाल करेंगे अल्लाह में पूछने वाले हैं। ऐसा मत समझो बड़े बड़े बिल्डिंगा बना लेके, बड़े बड़े गाड़ियां खरीद लेके हम बहुत ये हो गए, ये इस्लामी तहजीब नहीं है। इस्लामी तहजीब मंदों की तकमील मंशा इलाही की तकमील है।
ضرورتمندوں کی ضروریات کی تکمیل منشاء الہی کی تکمیل ہے. تو آئیے اسلامی تہذیب کے ہم اپنا جائزہ لیں, اسلامی تہذیب میں ہم کہاں تک کاربند ہیں. دولت کا یہ حال ہوا, کمانے کا یہ حال ہوا, پیدائش کے موقع پر یہ حال ہوا, شادیوں کے موقع پر یہ حال ہوا. جی, اور انصاف کا معاملہ ہے, عدل کا معاملہ ہے, تو اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ چاہے وہ خلیفۃ المومنین ہو, ان کے خلاف بھی گواہ والے مقرر. یہ کچھ ان کے لیے ایکسیپشن نہیں, بادشاہ کے لیے یا خلیفہ وقت کے لیے, بلکہ شہادتیں ان کے لیے بھی دو, ان کے لیے بھی دو. اور عورت اور مرد کا اختلاط عام طور پر بولے ارے جوانوں کو مت جانے دو, بڑے حضرت آئے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, ان کے سامنے تو نکال سکتے, چاہ کے سلام کر لو, پیر پڑھ لو. اسلامی تہذیب نہیں ہے یہ. چاہے متقی ہو, پرہیزگار ہو یا عام آدمی ہو, سب کے ساتھ ایک ہی قانون ہے کہ تم جو ہے اختلاط, غیر پردہ, یعنی جو غیر محرم جو ہیں ان کے سامنے جانا ہے, اسے منع کر دیا. تو کوئی اسلام کے اندر پاپائیت نہیں ہے, کوئی پریسٹہڈ نہیں ہے. ہمارے پاس لیکن پریسٹہڈ آگئی رفتہ رفتہ, ہم اپنے مرشد کو یا عالم کو اور مرید ہونے کے نام پہ جو جا کے انہوں پیر بھی پڑھ لے رہے ہیں, سب غیر اسلامی ہے, اسلامی تہذیب نہیں ہے. آپ غور کر کے دیکھیے. اگر بعض وقت کیا ہوتا ہے, ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, تو ہم کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ارے ایسا کیسا بول رہے ہیں یہ. نہیں, جسٹ آپ غور کیجئے اس پہ, آپ غور کیجئے کہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے یہ اسلام نے کیسی تعلیمات دی. سب عام آدمی کے لیے تقویٰ کے اعتبار سے ہر لحاظ سے سب کا جو ہے ایکول اسٹیٹس. تو پاپائیت نہیں ہے. ہمارے پاس 25 آدمی جمع ہو گئے, تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھانے کا معاملہ آیا, امام تو خیر مسجدوں میں مقرر رہتے, کہیں نہیں رہے آگے بڑھ جاتے. نہیں, بلکہ تقویٰ کا, طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ شوق نہ ہو, شوق سے امام نہ بنے. جماعت کے لوگوں میں سے کوئی آگے بڑھا ہے تو چلے ٹھیک ہے, اپنے سے آگے بڑھنا یا اپنے کو بہتر سمجھنا, نعوذ باللہ کسی گوشے کے اندر یہ بات نہ آئے اپنے دل کے اندر. صحیح تقوی کا کیا تقاضا ہے؟ کہ تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہیں, میں گناہگار بندہ ہوں اللہ, احساس گناہ ہمیشہ جو ہے زندہ رہے. اور اس وقت کے واقعات تو آپ بہت سنتے ہیں, اور یہ بھی بولتے ہوں گے حضرت عمر کا زمانہ تھا, ان کا بہت آسان تھا بھائی کر لیے, وہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے نہیں معلوم, اپن کس مٹی کے بنے ہوئے, ہم ویسا نہیں کر سکتے ان کے جیسا. یعنی منہ سے تو نہیں بولتے ہوں گے لیکن عملاً ہم وہی بتا رہے ہیں, عملاً وہی بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نو کر لیے بھائی, اپن کہاں کر سکتے. اسلام جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن آخرت تک کے لیے ہے, تو پھر تعلیمات صرف قرن اول کے لیے ختم نہیں ہو گئے. آج بھی بدر کے میدان میں جس طرح سے اللہ کے رسول کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے نازل فرمائے تھے, حنین کے میدان میں اگر ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں, اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ آتی ہے. کیوں؟ اللہ ہمارا حی قیوم ہے, وہ دنیا بنا کر چھوڑ کے سو نہیں گیا ہے. تو عزیزان گرامی, اب آپ ہم جائزہ لیں,
हमारे में सारी कमजोरियां जो आ रही हैं उसकी वजह क्या है? वजह जो है अल्लाह के वजूद का वो एहसास, जिंदा एहसास हमारे दिलों में नहीं है। और फिर जवाबदेही के बाद, मरने के बाद उड़ते कि नहीं कि मिट्टी में दफन कर दिए तो हो गया। अजीब, वो भी देखिए आप, हमारी तहजीब, इस्लामी तहजीब, कोई बीमार हुआ तो घर में बेटा बहू सब जो है करीब, अब्बाजान की तबीयत खराब हो गई, आज बेचैनी है, एक बेचैनी कैफियत, कोई दवा ला रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, ये मोहब्बत, ये इस्लामी तहजीब का तकाजा था। और अब रफ्ता रफ्ता क्या रहा है, ओल्ड होम्स, मगरबी तहजीब के दिलदारा बुढ़े को ले जाके डाल दो वहां पर। बताइए कहां बाप बेटे में मोहब्बत गई, खानदान के फर्द को वो जो मोहब्बत इस्लाम ने दी थी, वो मोहब्बत हमारे माशरे से हिस्सा दूर हो रही है। किस तरह से हम बेचैन हो जाते थे अपने वालिद के खांसने पर, हमने ऐसे भी देखा है कि वालिद साहब जिधर सोते थे उधर लोग पैर करके नहीं सोते थे। तो ये एहतराम, खिदमत का जज्बा। उसके बाद मालूम हुआ कि नहीं, अब जो है जाने का वक्त इनका करीब आ गया है, तो कोई यासीन शरीफ पढ़ रहा है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जोर जोर से पढ़ रहा है कि मरने वाले के जहन में, दिल में जो है कलमे तैयबा तो पढ़ने का जौक हो, वरना बुड्ढे ओल्ड होम से बदले बुड्ढे घर में कौन पढ़ने वाले हैं, वहां उस घर में कौन पढ़ने वाले हैं अगर अपने घर में नहीं पढ़ाए तो। ये एहसास हमारी बीवियां आके शुरू करे पहले, अजी कहां लगे, अलग रहो, अच्छा आराम से रहेंगे, खानदानी निजाम को खत्म करो। तो हमको स्टैंड लेना पड़ेगा, उनके जहन को बनाना पड़ेगा हमारी खवातीन के, देखो खानदान मिलकर रहना चाहिए, हमारे बुजुर्गों का एहतराम, ननन का एहतराम, भावच का एहतराम, सास का एहतराम, उनसे मोहब्बत, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत, ये इस्लामी तहजीब के देन है। और जैसा ही दम जाने लग गया तो कोशिश क्या करते हैं, हम मरने वाले का मुंह जो है क्या करते हैं, खिबले रुख करने की कोशिश करते हैं कि खिबले की तरफ करो, ताकि दिल के अंदर जो कलमे तैयबा है जाहिरी सूरत से भी वो जाहिर हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता तकलीफ की वजह से आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, तो कोशिश करें कि भाई खराब मंजर लोगों को, आने वाले को नहीं मालूम हो, उसको बंद कर दीजिए। एक एक बात का एहसास, अगर जिंदगी है, अगर इंसानियत से मोहब्बत है, उसके बाद क्या करते हैं, जो सजदा जहां पर सजदे की हालत में जो घुटने टिक जाते थे और पेशानी टिकती थी जमीन पर, तो काफूर वहां ज्यादा डाला जाता है ताकि रोशन आखिरत के रोज ज्यादा चमकने लग जाए उनके सजदे के निशान, उनको गुसल दिया जा रहा है, पहले वजू कराया जा रहा है, गुसल दिया जा रहा है और पूरी मैयत का एहतराम किया जा रहा है। और डोले में जब उनको लेकर, आज तो हमारे पास भी गाड़ियों में सिस्टम शुरू हो गया, ले जाओ गाड़ी पे सवार करो, जलते जल्द लेके जाओ, फिर साकत हो। और दूसरे क्या हो रहा है, कब्रस्तानों के पास जाके देखिए आप, गाड़ियों में आ रहे हैं, अल्लाह अच्छा गाड़ियां दिया, बैठो, मना नहीं करता मैं, गाड़ियों में बैठे सिगरेट हो रहे, मस्जिद के पास अभी जनाजे की नमाज हुआ नहीं हुआ बातें हो रहे हैं, दूसरी बार कोई कलमे का विर्द, कोई जो है इस अपनी आखिरत का याद, ऐसे मनाज़िर नहीं, बेहिस हो गया इंसान। इस्लामी तहजीब है, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। तो ये एहसास इस्लामी तहजीब क्या
जी, जिस तरह से खबर में उतारा जा रहा है, तो हमारे क्या, हमारे तासुरात क्या होनी चाहिए? लोगों की गीबतें करते खड़े हो जाएं वहां पर, दुनियादारी की बातें खड़े हो जाएं, हम कहां इबरत लेंगे हासिल, आखिर कहां से इबरत हासिल करेंगे? तो इस्लामी तहजीब हमारे तकारीब में, हमारी मौत तो कफन व दफन में, हर जगह हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। मैं इसको बहुत फलसफियाना अंदाज से भी बयान किया सकता, तकारीर वो तहजीब और तमद्दुन और उस पर गुफ्तगू, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि हमारे जहन में वो बात उतरे, और अमली कोशिश मेरी यही होती है कि अमली पहलू जो है ज्यादा सिर्फ गुफ्तगू के बजाय ये हो कि उससे हमारे अमल पर असर आए, हमारे में तब्दीली आए, बोलने वाले को और सुनने वालों को अमल की तौफीक हो जाए, यह जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। तो इस्लामी तहजीब का यह वाकया मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर बोलते रहता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से मदीने को जा रहे थे, रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी नजर आई, 8 दिन में जाते थे उस जमाने में, 9 दिन में जाते थे, तो रास्ते में आपने क्या है पड़ाव डाला, खैमा नसब किया। सुबह उठे तो नजर आया कि पहाड़ी के नीचे एक नीगरो नौजवान हबशी लड़का कुछ बकरियां चरा रहा है। आपको ख्याल आया कि इस्लाम की तालीमात कहां तक इन रिमोट एरियाज के अंदर भी फैली है या नहीं फैली। आप उस शेपर्ड के पास गए, उस चरवाहे के पास गए, वो किसी यूनिवर्सिटी का फारिग तहसील नहीं था, उसने किसी के सामने जानो अदब तय नहीं किए थे, उसने कोई दुनियावी तालीम हासिल नहीं की थी, और वो ये नहीं जानता था कि वो हजरत उमर फारूक जैसी वजीह शख्सियत उसके सामने खड़ी हुई है। हजरत उमर फारूक ने कहा, ऐ लड़के ये बकरियां किसकी हैं? तो उसने कहा, ये बकरियां मेरे दुनियावी आखा की हैं, जो मेरा उस जमाने में जैसा नौकर आखा होते हैं, मेरे मालिक की हैं। तो उसने कहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐसा करो तुम्हारी इन बकरियों में से एक बकरी मुझे भेज दो, और फिर ये कहो कि एक भेड़िए ने एक बकरी उठाड़ कर ले गया। तो वो अनपढ़ आदमी अपनी आंखें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के चेहरे पर गाड़ दिया उसने, और गाड़ कर कहने लगा, मैं दुनिया के मालिक को तो धोखा दे सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह को कैसे धोखा दे सकता हूं? द टीयर्स रोल डाउन द चीक्स ऑफ हजरत उमर, आपके चेहरे पर आंसू आए और बहने लगे। देखिए, हम इतनी तफसीरें पढ़ रहे हैं, इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे में ईमान में वो बात, वो इखलास, वो ऑनेस्टी पैदा नहीं हुई जो वो नीगरो में थी, उस बदवी लड़के के अंदर थी, जिनके बारे में हजरत हाली ने क्या खूब कहा, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। किसकी नजरें थी ये? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर। तो इस्लामी तहजीब कैसे वजूद में आती है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का सही शऊर हमारे दिलों के अंदर रस बस जाए, और जब भी हम पढ़ते रहें, जब भी ये एहसास रहें कि मालिक के हाजिर और नाजिर होने का एहसास जिंदा करते रहें, चाहे वो किसी विलादत के मौके पर हो, चाहे किसी तकरीब के मौके पर हो, चाहे किसी की मौत के मौके पर हो, चाहे हम अपने ऑफिस में काम करते वक्त हो, हम कॉलेज या स्कूल के तालिब इल्म हो उस वक्त हो, हर वक्त अल्लाह के हाजिर और नाजिर होने का एहसास, उसके सामने जवाबदेही का एहसास जिंदा रहना चाहिए।
द लिविंग कॉन्टैक्ट ऑफ गॉड। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए एक दो छोटे से वाकयात आपके सामने रख रहा हूं। सहाबा किराम के जमाने के वाकयात तो बोलेंगे आप सहाबा किराम के थे, बाद में गजनवी महमूद गजनवी जो सोमनाथ के मंदिर को 17 मरतबा आके मिसमार करके गया था, उसके पास एक साहब आते हैं, आके कहते हैं बादशाह वक्त से रात में एक घर एक शख्स आता है और हमारे इज्जत और नामूस का जो है मजाक उड़ा रहा है, यानी हमारे खानदान को छेड़ रहा है। ये बादशाह वक्त से हुई अपील। तो गजनवी रात का इंतजार करता है, रात हो जाती है, शमशीर बकफ होकर उस मजलूम के घर पहुंचता है, रात की तारीकी में वहां छुपा बैठा है। जब वो जालिम शख्स आता है तो ये अपने हाथ से उसका सर खलम कर देता है, और जब पानी पीता है वो, यानी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करना, किसी भी मजलूम को जुल्म से छुड़ाना, जालिम की मदद करने से मुराद क्या है, जालिम को जुल्म करने से रोकना। मजलूम की मदद तो समझ में आती है, लेकिन जालिम की मदद कैसे होना, जालिम को जुल्म करने से रोकना, ये उसकी मदद करने के बराबर है। उसी तरह एक और एक बादशाह थे, उनका नाम था मलिक शाह सलजूखी। वो जा रहे थे, रास्ते में एक बुढ़िया आई, बुढ़िया आके बोलने लगी कि तुम्हारे जो असिस्टेंट्स हैं, तुम्हारे अतराफ घूमने वाले लोग हैं, वो मेरी बकरी को उड़ा ले गए। बादशाह वक्त के सामने आके बोल रही है, तो उसने उस बकरी का जो मुआवजा हो सकता था उसको दिला दिया उसी वक्त पे। मलिक शाह सलजूकी, बादशाहों में बहुत सारी कमजोरियां रहे हैं, लेकिन इंसाफ का बोलबाला भी ये इस्लामी तहजीब का कुछ ना कुछ ना परताव उन पर रहा। हम यहां मशहूर सुनते थे मैबोली पाशा रात में निकलते थे टांगे में बैठ के और लोगों के मूसा नदी के किनारे, उस वक्त हैदराबाद छोटा था, देख के जो है रात में लोगों की कैफियतें, एक टांगे वाला उनके खिलाफ ही बोला, उनके टांगे में सवार हुए, उसको मालूम नहीं उन्होंने बोल के उनके खिलाफ ही बोलने लगा, तो लेकिन वो लोग नाराज नहीं हुए, उस पर इंतकाम नहीं लिए। तो ये कब होता है ये सब, ये जब अपने नफ्स को कंट्रोल में रखने पर होता है। गुस्से पर काबू पाना, नफ्स को कंट्रोल में रखना, ये कब मुमकिन है, जबकि हमको अल्लाह के हाजिर और नाजिर हुस्न का एहसास। सफर आदमी उसको न जानिएगा हो वह कैसा ही साहेब फहमो जका, जिसे ऐश में यादें खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज के मौजू से मुतालिक कोई सवाल है तो मैं आपसे ख्वाहिश करूंगा कि वो सवाल आप रखें, कि अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت، اللهم ارزقنا جنة ونعيما بعد الموت، ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأحفاده أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.